नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है, पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी, सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इसी इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दे, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, यार अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके, मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ, शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है, बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि वो महीने के मध्य में जा करके वो अस्त हो जाएंगे और जा करके महीने के अंत में वो उदय होंगे, उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो महामध्य तक तो अच्छी रहेगी, महामध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमजोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे, गुरु की स्थिति फिर भी काफी अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के।
और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये, 8 दिन ये अस्त रहेंगे, 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा, बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से, और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो आप मिथुन लगन के जातक हैं यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल माह जनवरी 2022 के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, और आपको बताएंगे कि ये माह जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। सबसे पहले व्यवसाय के विषय में बात कर लेते हैं कि ये माह जनवरी आपका व्यवसाय को लेकर के कैसा रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के लॉर्ड आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति हैं, और वो इस समय बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। हालांकि अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन ये जो जहाँ पर बैठे हैं ये अपनी सम राशि में, ना इनके मित्र हैं ना शत्रु हैं, ये तो स्थिति है। तो इसका मतलब ये इससे पता लगता है कि जो स्थिति आपकी रहेगी कार्य क्षेत्र की, यानी चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, ये एक तरीके से सामान्य रूप से चीज़ें चलती रहेंगी, यानी कि बिना किसी विघ्न और बाधा के। छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहती हैं, वो उनकी तो कहीं काउंटिंग करनी भी नहीं चाहिए। बाकी कोई विशेष समस्या आए बात उसकी होती है। तो यहाँ पर कोई मुझे विशेष समस्या आपके कार्य क्षेत्र में इस जनवरी के महीने में आती दिखाई नहीं देती है, यानी कि चीज़ें जितनी भी हैं बहुत ही सामान्य रूप से वो चलती रहेंगी यथावत। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो डेली जैसे आते हैं काम करके अपने ऑफिस से घर आ गए, फिर नॉर्मल वे में अगले दिन चले गए, ये सब इसी प्रकार की मतलब जो है चलता रहेगा आपकी लाइफ में। कोई उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो कुछ इस प्रकार की, ऐसी मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे आपसे कि देखिए, क्योंकि शनि की ढैया का आपके ऊपर जरूर प्रभाव बना हुआ है आपके जीवन पर, लेकिन यहाँ पर हमारा ध्येय आपको डराने से नहीं है। शनि की ढैया है थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना है। शनि जो है वो परिश्रम अधिक करवाते हैं, तो अगर आप परिश्रम करेंगे और अपनी ईमानदारी से अपने कार्य करते रहेंगे तो आपको इस पूरे जनवरी माह में अपने कम से कम व्यवसाय में तो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली आपका ये महीना निकल जाएगा बिना किसी परेशानी के, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार कर रहे हैं। व्यापार में भी चीज़ें सही चलती रहेंगी आपके अनुकूल, और मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे या कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे या आपकी कोई बहुत बड़ी पदोन्नति हो जाएगी, इस प्रकार का योग नहीं है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, वो यही कर रहा हूँ कि ये पूरा महीना आपका अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य तौर पर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बिना किसी परेशानी के ज़िंदगी चलती रहे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके व्यवसाय में रहेगी। और अब अगर हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की,
धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, धन का आगमन भी माह के आरंभ से माह के मध्य तक बना रहेगा और अच्छे से बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, ये भी चीजें चलती रहेंगी। और लेकिन ये जो स्थिति है जो मैं कह रहा हूं आपसे धन की, क्योंकि मंगल जो है आपके धन के मालिक है, मतलब इनकम के, वो 16 जनवरी को यहां से अपने स्वयं की राशि वृश्चिक से, मैंने आपको बताया था ग्रह गोचर की स्थिति के समय पर कि वो 16 तारीख को यहां से अपनी राशि बदल करके धनु राशि में जाएंगे आपके चार्ट में सप्तम सेवेंथ हाउस में। तो जब ये यहां पर आएंगे तो शुक्र के साथ इनकी युति बनने वाली है और हो सकता है कि आप जितना धन कमाएं आपको कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ जाए, इस बात की संभावना बहुत अधिक, बहुत प्रबल योग बन रहा है। और आपको वो यात्रा जो करनी पड़ जाए, अपने काम के सिलसिले में करनी पड़ जाए, उसमें कुछ आपका धन खर्च हो, इस प्रकार की भी स्थिति बन रही है, उसमें आपका धन का व्यय हो सकता है अच्छा खासा, वो यात्रा जो आप करने वाले हैं जनवरी के महीने में अपने कार्य से संबंधित। अच्छा, और ये जो है, आप जब मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम हाउस में जाएंगे, निश्चित रूप से एक लाभ तो आपको जरूर प्राप्त होगा, वो ये होगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में कुछ आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीजें कुछ आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी, इस प्रकार की स्थिति है। कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक आप जो भी कार्य अपने क्षेत्र में करेंगे तो उसमें आपको मान सम्मान भी मिलता रहेगा, कार्यों में भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, कोई विशेष चीजें चलती रहेंगी। हाँ, महा मध्य से थोड़ा सा आप चीजें तो कुछ पक्ष में जरूर आएंगी, लेकिन साथ साथ आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना है, कोई जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि जिसमें आपके मान सम्मान में कमी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें अपने कार्य क्षेत्र में। अब बात करेंगे वित्तीय स्थिति की। वित्तीय स्थिति तो हम आपको बता ही चुके हैं, अभी भी उसमें भी थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला है कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक आपकी जो आर्थिक स्थिति है और धन का आगमन है वो बना रहेगा सामान्य तौर पे। और वैसे तो इस जनवरी के महीने में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी, पैसा आपको आपके हाथों में दिखाई देगा, बेशक चाहे इनकम आपकी सामान्य रूप से ही हो लेकिन पैसा आपके हाथ में आपको दिखाई देगा। साथ ही अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं धन इन्वेस्ट करने की या सेव करने की अपना मनी, तो वो भी सामान्य रूप से आप कर पाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में नहीं या बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक सामान्य ढंग से आप कर पाएंगे सेविंग। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के जो हम ग्रहों की स्थिति आप मिथुन लग्न के जातकों की देख पा रहे हैं वो ये है कि आपके रिलेशनशिप पहले से चल रही है, मान लीजिए पहले से, तो माह के इस जनवरी माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच तो उन रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस प्रगति होती आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ माह मध्य से और माह के अंत तक ये जो रिलेशनशिप है आपकी, मित्रता है, ये और मजबूत होगी, इसमें प्रगति होगी और आप एक दूसरे के बहुत निकट आएंगे। और इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है, आपकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कि ये कहीं बात फिजिकल कॉन्टेक्ट तक ना पहुंच जाए, इसकी भी बहुत अधिक संभावना बनी हुई है महामध्य से। अब वो बात कर लेते हैं विवाहित व्यक्तियों की कि उनका कैसा रहेगा। देखिए, इस माह जनवरी 2022 में जो विवाहित व्यक्ति महिला और पुरुष हैं उन दोनों की ही बात कर रहे हैं कि आपका वैसे तो पूरे माह जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षक रहेगा, यानी कि जो आपका जीवन साथी है वो आपकी ओर आकर्षित होगा, आपके आकर्षण को देख करके आपकी पर्सनैलिटी की ओर वो मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट करोगे आप उसको, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने साथी को, जीवन साथी को अट्रैक्ट करेगी और वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगा। लेकिन माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में किसी किसी बात को लेकर के, छोट मोट बातों को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत तनातनी भी हो सकती है, नरम गरम। लेकिन हाँ, महामध्य से और माह के अंत तक
आप पूरे वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, पूरा भरपूर आनंद उठाएंगे आप। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध जो हैं मिले जुले परिणाम आपको देखने को आएंगे, इस प्रकार के अनुभव आपको रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ कड़वे। कभी आपके बहुत मधुर संबंध हो जाएंगे, कभी आपके बहुत तल्ख रिलेशनशिप हो जाएगी अपने परिवार के साथ। कभी तल्ख वातावरण पैदा हो जाएगा परिवार के बीच में, कभी बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप। ये इस प्रकार महीना आपका निकलने वाला है। और छात्र जो हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए छात्रों के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि ये स्थिति जो है थोड़ा सा अच्छी नहीं है। हालांकि एक सपोर्ट ग्रुप बृहस्पति आपको दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम आपका ग्राफ नीचे जाए, तो उस ग्राफ को नीचे जाने से तो गुरु बृहस्पति रोक रहे हैं, वो तो नहीं जाने देंगे। लेकिन आपको भी यहाँ पर पूरा जिम्मेदार होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। मैं छात्रों से कह रहा हूँ, यानी कि अपनी शिक्षा को शिक्षा की तरीके से ही ग्रहण करना है, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ। अगर ऐसा करेंगे तो जाकर के कहीं मध्यम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे, अन्यथा सामान्य ही परिणाम आपके हाथ में आएंगे। ये छात्रों के लिए कह रहे हैं। संतान को लेकर के बताना चाहते हैं, देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो संतान को थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, या संतान सुख में कमी कह सकते हैं माता पिता के लिए। संतान की ओर से कुछ ज़्यादा सपोर्ट या कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को नहीं हो पाएगी। महामध्य से और माह के अंत तक की जो स्थिति है वो उसमें सुधार होगा, और जो परिणाम आपको माह के मध्य तक प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो अनुकूल परिणाम नहीं है उसके कंपैरेटिवली ये महामध्य से माह के अंत का जो पीरियड होगा ये अच्छा रहेगा। आपको अपनी संतान से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वनस्पत जो पहला 15 दिन है माह के उसके मुकाबले। अब आपको बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए माह के आरंभ से माह के मध्य तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बीच में अगर कभी गड़बड़ होगा भी तो बहुत टेम्परेरी बेस पे। वैसे मंगल विराजमान है यहाँ पर तो आपके स्वास्थ्य को वो बेहतर ही रखेंगे, अच्छा ही रखेंगे। हाँ समस्या कब पैदा होगी, जब मंगल यहाँ से 16 जनवरी को निकल जाएंगे तब आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं माह के मध्य से माह के अंत तक। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा, खान पीन पर ध्यान रखना होगा और दिनचर्या भी अपनी सही रखनी होगी, और समय समय पर अगर मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो और भी अधिक अच्छा है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। उपाय क्या किए जाएँ, उपाय आपको बताते हैं। देखिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देना बिल्कुल ना भूलें, बहुत आवश्यक है। साथ ही बुध का इलाज भी करना बहुत आवश्यक है। बुध के लिए आपको क्या करना है, बुध के लिए ये करना है कि आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर बुधवार के दिन बैठ करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं घर में, सुबह के समय कर लें। और शुक्रवार के दिन आपने अपने हाथों से पूड़ी पर खीर रख करके गौ माता को खिलाएं, या पूड़ी पर खीर नहीं खिला सकते हैं तो रोटी घर में बनवा करके रोटियों पर देसी घी रख करके और एक सफ़ेद मिठाई बर्फी वगैरह रख करके अपने हाथों से गौ माता को सफ़ेद रंग की गाय को खिलाएं। और तीसरा उपाय ये है कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। शनि की ढैया भी चल रही है तो शनिवार के दिन भी आप शनि देव की सेवा करें, उनकी पूजा करें, दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने भी सरसों के तेल का दीपक, शनिवार के दिन शनि महाराज के सामने भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहां पर आप चाहें तो शनि के मंत्रों का जाप कर लें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनि स्तोत्र कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, और मंगलवार के दिन कर लें। मंगल बुध शुक्र शनि एक एक दिन ये आप करें, निश्चित रूप से आपका जो पूरा महीना है वो काफ़ी बेटर निकलेगा, अच्छा निकलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों ये थी मासिक राशिफल आप मिथुन लग्न के जातकों का माह जनवरी 2022 का। आपको ये अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें।
साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होगी वे उतना ही लाभान्वित होंगे इस जानकारी से। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों पर हमारे वीडियो बनते हैं, वो वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।